आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी इस दुनिया के अंदर बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े लोग हुए हैं, मैं अगर वॉरेन बफे का जो सब जानते होंगे, आई थिंक दुनिया के टॉप 5 सबसे रिच पर्सन्स में है, तो उन्होंने भी अपनी लाइफ के अंदर स्कूल टाइम से इन्वेस्टमेंट, आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग सीख कर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। तो शायद वही और इसी चीज़ को वो आज अपने सक्सेस का सबसे बड़ा राज बताते हैं, कि वो सबसे बड़ा मेरा डिसीजन था कि मैंने बहुत जल्दी अपनी लाइफ में स्टार्ट करा। तो मैं सिर्फ आज इस वीडियो के थ्रू आपको सिर्फ चार एक ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके पास होनी ही होनी चाहिए, मस्ट, यू शुड मस्ट हैव 4 डॉक्यूमेंट जिसके बगैर आप कोई इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। वेलकम टू माई चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइन बाई गौरव मंडल। यूजली मैं अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ अपलोड करता हूँ जिससे कि मेरे फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके, पर आज का वीडियो सिर्फ फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पर ये हर एक उस इंसान के लिए है जो यहाँ पर एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने की कल्पना करता है। कहने को ये भी एक डिज़ाइन प्रोसेस है, पर ये फैशन डिज़ाइन प्रोसेस ना होके एक लाइफस्टाइल डिज़ाइन प्रोसेस है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सीखा। और जब वो मुझसे ये सारी बातें कर रहे थे, ये सारे सीक्रेट्स बता रहे थे, तब मुझे पता चला कि काश ये मेरे घर वालों को पता होता, या मुझे पता होता, या मुझे तब पता होता जब मैं स्कूल में था। तो जो बाद में आके जो जितनी भी स्ट्रगल्स मैंने देखी, अगर इन बातों का मुझे पहले पता होता तो शायद उतनी स्ट्रगल्स मुझे नहीं देखनी पड़ती। तो मैंने उनको इनवाइट किया एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए। सो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, फिर उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो 12 ईयर्स प्लस है, जो स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, या जो अब तैयारी कर रहे हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए या करियर की तरफ जा रहे हैं। अब मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को इनवाइट करूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस इंटरव्यू में, जहां पर वो हमें वो सारी बातें बताएंगे जो उन्होंने अपने प्रेरणा स्रोत मिस्टर वॉरेन बफे से सीखा, कैसे उन्होंने इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में अपनाया, कैसे उन्होंने अपने लाइफ को इजी बनाया, अपने बच्चे की लाइफ को इजी बनाया। सो लेट्स लिसन टू नन अदर देन मिस्टर अरुण गुप्ता, हु इज़ फाइनेंशियल एडवाइज़र फॉर लास्ट 22 ईयर्स। अब उनसे सुनते हैं वो सारे सीक्रेट्स जो उन्होंने वॉरेन बफे से सीखे। मैं सिर्फ लोगों को ना एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि जितना बच्चों के अंदर, स्पेशली जो किड्स हैं, जो कि आई थिंक मैं समझू 12 ईयर प्लस किड्स हैं जिनको थोड़ी बहुत समझ में है लाइफ के बारे में, तो पेरेंट्स वांट टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज इन देम, एजुकेशनल वैल्यू। तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और उसके लिए आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल की जो भी जनरेशन है ना, उनको लगता है कि हमारे को अपनी सोसाइटी को सर्व भी करना है, और अपनी जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी बहुत पूरा करना है। बट अब मेरा सिर्फ यही मानना है कि जब तक आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, फाइनेंशियली साउंड नहीं होंगे, तब तक शायद आप वो वाले ऑब्जेक्ट को पूरी तरह नहीं कर पाओगे कंप्लीट। तो अभी क्या होता था ना कि जो भी लोग स्कूल से पढ़ते थे, फिर वो आगे जिसको इंजीनियरिंग करनी है इंजीनियरिंग करता था, मेडिकल में जाता था, या जो भी व्हाटएवर जो भी उनको अपनी लाइफ में बनना था, अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क वो अचीव कर लेते थे। तो मैं सिर्फ आज इस वीडियो के थ्रू आपको सिर्फ चार एक ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके पास होनी ही होनी चाहिए, मस्ट, यू शुड मस्ट हैव 4 डॉक्यूमेंट जिसके बगैर आप कोई इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो ये है कि यू शुड पोजेस आधार कार्ड। वैसे आजकल तो गवर्नमेंट ने कर दिया है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट से के साथ ही उसका आधार कार्ड बन जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग।
वंस यू हैव अ आधार कार्ड, तो सेकंड डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए पैन कार्ड। पैन कार्ड का ये होता है कि आप, कई लोग आपको बोलेंगे कि वो तो 18 साल के बाद होता है, नहीं ऐसा नहीं है। एक पैन कार्ड होता है माइनर का, तो अगर आप 18 साल से नीचे के हैं तो आपका माइनर का पैन कार्ड बन जाता है। मैं बताऊंगा कि आपको पैन कार्ड क्यों चाहिए। और थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका बैंक अकाउंट। अब यही लोग सबके दिमाग, बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि हम जब 18 साल के होंगे, बालिग हो जाएंगे, तभी हमारा बैंक अकाउंट खुलेगा। ऐसा नहीं है। आपका बैंक अकाउंट भी आप जब पैदा होते हो, देखो जब बच्चा, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट, फोर्थ डॉक्यूमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, डीमैट अकाउंट। तो मैं आपको इन चारों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो चार डॉक्यूमेंट है वो असेस कर सकता है एज सून एज ही गॉट बर्थ, तो जन्म से ही वो कर सकता है। तो ऐसा उसमें कुछ है नहीं है कि वो 18 साल, हाँ 18 साल से नीचे होगा तो वो माइनर कैटेगरी में आएगा, और जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आपका मेजर बन जाएगा। तो जब माइनर कैटेगरी में होगा तो उसमें जो गार्जियन होगा वो आपके पेरेंट्स होंगे या कोई जो भी आपके रिलेटिव हो सकते हैं। मेरा सिर्फ यही मतलब है कि जो भी पेरेंट्स हैं उनसे मैं ये अर्ज करता हूँ, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही आप, देखो ये बहुत ही अच्छा क्षण होता है जब भी आपके घर में कोई भी, आपके घर में कोई भी खुशी आए, इस तरह की कोई भी बेबी होता है, तो आपको ये चार डॉक्यूमेंट जरूर एज सून एज, और ये अपने लिए भी, अगर आप खुद भी नहीं है तो आपके लिए भी ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और आपके बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो आपका बच्चा, वो एक 18 ईयर वाला एज नहीं अचीव कर सकता, तो आप एज अ गार्जियन उसके भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप पूरा गाइड कर सकते हैं अपने बच्चों को, जैसे उसको समझ में आती है, तो जिससे कि उसकी भी नॉलेज में रहे, उसको भी ये रहे कि मेरा भी एक अकाउंट चल रहा है एज अ माइनर। तो मैंने बताया कि चार डॉक्यूमेंट, पहला हमारा सबसे ज़रूरी है आधार कार्ड जो कि मैंडेटरी है, फिर हमारा पैन कार्ड है, और फिर उसके बाद हम ये दोनों डॉक्यूमेंट होंगे तो देन वी तो हम एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं अपना सेविंग। और जब हमारे पास ये तीनों डॉक्यूमेंट होंगे तो हम एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जो ऑनलाइन भी खुल सकता है, बैंक के थ्रू भी खुल सकता है और किसी ब्रोकर के थ्रू भी खोल सकता है। क्या ये जब बनाना इजी होता है कि ये गूगल पे बहुत बनाना पड़ता है? सिंपल, बहुत इजी होते हैं बिल्कुल, और ये आप किसी भी गूगल पे जब जाओगे, किसी इनकी वेबसाइट्स पे आप जाओगे तो आपको इनका प्रोसेस भी बहुत सिंपल होता है। और तो अगर आपको, अगर कुछ भी इनसे रिलेटेड कोई भी, अगर आपको लगे कि कोई भी जानकारी और चाहिए या आपको कुछ भी इनको से रिलेटेड ये कैसे बनेंगे, तो आप मेरे नीचे लिखे हुए ईमेल एड्रेस पे भी आप मुझे मेल करके पूछ सकते हो। अब एक बहुत अच्छी कोटेशन है, शायद आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट नॉट बोर्न रिच, बट बाय वर्किंग हार्ड ऑन आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी अ रिच फैमिली कैन बोर्न फ्रॉम यू।